नमस्कार दोस्तों, अयोध्या में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म का मामला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित बच्ची की मां से अपने आवास लखनऊ में मुलाकात किया। योगी आदित्यनाथ दो दिन अभी पहले ही विधानसभा में इस घटना पर चर्चा कर चुके हैं, इस घटना को उठा चुके हैं। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। योगी के टारगेट पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद हैं। इसका कारण है कि दुष्कर्म का आरोपी समाजवादी पार्टी से भदरसा का नगर अध्यक्ष है और वह अवधेश का करीबी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर मोइन खान की तस्वीर अवधेश प्रसाद के साथ लोग वायरल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि मोइन खान अवधेश का काफी अरसे से करीबी है और वह उन्हीं के साथ में रहता था। सपा पर यह भी सवाल किया जा रहा है कि आखिर मोइन खान पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। फिलहाल पुलिस ने मोइन खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए इस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और आपको भी बता देते हैं। 29 जुलाई को पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला उस समय उजागर हो गया जब उसकी मां को यह पता चला कि उसकी बच्ची 2 महीने की गर्भवती है। उसके बाद आरोपी के खिलाफ बच्ची की मां एक प्रार्थना पत्र लेकर थाने पहुंचती है और वहां पर शिकायती पत्र देता है, लेकिन पुलिस उनको टरका देती है, कार्रवाई नहीं करती है। मामले में दबाव बनता है तो आखिरकार पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है, कार्रवाई करनी पड़ती है। नाबालिग बालिका की उम्र 12 साल है और उसके पिता की अभी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। बच्ची के साथ उस समय घटना को अंजाम दिया गया जब वह करीब 2.5 महीना पहले खेत में गई थी और वह मजदूरी करके वापस आ रही थी। रास्ते में आरोपी मोइन खान का नौकर राजू मिल जाता है। वह बच्ची को बरगलाता है, लालच देता है और वह सीधा मोइन खान के पास लेकर पहुंच जाता है। मोइन खान नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म के दौरान ही उसका नौकर राजू वीडियो बना लेता है। वीडियो क्लिप के सहारे पिछले 2.5 महीने से कई बार दुष्कर्म की घटना को मोइन खान अंजाम देता रहा। इस घटना के बाद से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी पर तंज कस रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पर सांसद अवधेश प्रसाद व पार्टी प्रमुख अवधेश अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं और किरकिरी कर रहे हैं कि आखिर आरोपी पर सपा कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है इतना सब कुछ हो जाने के बाद। वहीं प्रबुद्ध जन का कहना है कि जब आरोपी पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है, उसे गिरफ्तार कर चुकी है, तो पार्टी से निकालने व ना निकालने का मतलब ही क्या है। या तो एक राजनीतिक स्टंट है जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है।